रवि कुमारन जी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ होंगे। शासन ने उन्हें गोरखपुर मंडल आयुक्त से ग्रेटर नोएडा भेजा है। उनके सामने किसानों के मुद्दे सुलझाने की बड़ी चुनौती होगी। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी के पास ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार था। सरकार ने रविवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ दे दिया है। गोरखपुर मंडल के आयुक्त रवि कुमार एनजी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 60 अस्पतालों और क्लिनिक के पंजीकरण का आवेदन रद्द कर दिया है। वहीं 120 अन्य क्लिनिक और अस्पतालों को पंजीकरण नहीं कराने पर नोटिस जारी किया है। 15 दिनों के अंदर इनसे जवाब मांगा गया है। स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर इनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। भारत में पहली बार होने जा रही मोटो जीपी बाइक रेस से ऑटोमोबाइल्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। देश दुनिया की चुनिंदा कंपनियां यहां पर निवेश के लिए आ रही हैं। इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं ये रेस अर्थव्यवस्था में भी अपना सकारात्मक प्रभाव डालेगी। देश में पहली बार 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपी बाइक रेस होगी। अट्टा स्थित एक परचून की दुकान में शराब बेची जा रही थी। आबकारी विभाग ने छापेमारी कर दुकानदार को पकड़ लिया। इसके बाद कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दुकानदार की पहचान सुंदर अवाना के रूप में हुई है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने रविवार को गले में राधे राधे लिखा, लाल रंग का दुपट्टा डालकर तुलसी पूजन किया और सचिन के माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सीमा ने अपने पति गुलाम हैदर द्वारा दुबई से जारी किए गए वीडियो पर कहा कि वह बेहद शातिर है, झूठ बोलकर सभी को गुमराह कर रहा है। सीमा ने कहा कि काफी समय पहले ही गुलाम हैदर ने बच्चों और उसको पाकिस्तान में अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब वो झूठ बोलकर बच्चों और मुझे पाकिस्तान बुलाना चाहता है ताकि उसकी हत्या कर सके। उसने कहा कि वो भारत में सचिन और अपने बच्चों के साथ बेहद खुश हैं।